हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 5 सहित 3/4 भागी 4 सहित 3/5 धन 2 सहित 1/2, ये मिश्र भिन्न कहलाता है। इन्हें हल करने के लिए हम एक दोहा याद करेंगे। दोहा इस प्रकार है, सही अरुका को तोड़कर भाग गुना कर मीत, सही अरुका को तोड़कर भाग गुना कर मीत, ता पाछे धन ऋण करो यही चिन्ह की रीत। ठीक है, आगे हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो मिश्र भिन्न है इसे हम भिन्न में बदलेंगे, सम भिन्न हो या विषम भिन्न हो। तो कैसे करेंगे इसको, ये हर को इस पूर्ण अंक से गुणा करेंगे, तो 5 चौक हो गए 20, 20 आया, उसमें 3 को जोड़ेंगे तो 20 और 3 हो गए हमारे 23, और हर है इसका 4 भागित। इसी तरह इसको भी हल करेंगे, ये जो हर है उसको हम पूर्ण अंक से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, और उसमें अंश 3 है उसको जोड़ देंगे तो 20 और 3 23, बटे इसका हर 5 है तो ये भी हो गया हमारा 23/5 धन 2 × 2 = 4, में 1 जोड़ेंगे 5, 5/5 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाना है। ठीक है, फिर आगे पद चालू स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे दोहा में क्या आया था, भाग गुना कर मीत, तो पहले भाग की संक्रिया अपनाएंगे, तो भाग चूँकि ये भिन्न को भिन्न से भाग देना जटिल संक्रिया होती है, तो इस भिन्न भाग के चिन्ह को मैं गुना में बदल दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 23/4 भाग को मैंने परिवर्तित कर दिया गुना में, तो यो अंश है वो हर बन जाता है, और हर क्या बन जाता है, अंश, तो हर 5 है अंश बन गया, अंश 23 है वो हर बन जाएगा। इस तरह ये बदल जाता है धन 5/2। फिर उसके बाद भाग की करिए, फिर गुणा कब चिन्ह की अपनाएंगे, फिर गुणा करेंगे तो 23 के पाड़ा में 23 एक बार में आ रहा है, यहाँ भी 23 एक बार में आ रहा है, जा रहा है भाग, है ना, फिर अब तो नहीं कट रहा है, तो 1 का गुणा करेंगे अंश का गुणा अंश से करेंगे तो 5 एकम 5/5, हर का गुणा हर से करेंगे तो 1 चौं 4, फिर धन 5/2। अब हम करेंगे, ये दो अलग अलग भिन्न हो गई है, इसे जोड़ना है, तो भिन्न को जोड़ने के लिए हम हर का लसा निकालते हैं, हर को समान करते हैं, या सीधा अगर जोड़ना हो, यहाँ पर हर समान करना है तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अंश में 2 का गुणा करूँगा और हर में भी 2 का गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर करता हूँ 2 × 2, तो ये संतुलित ही हुआ। फिर आगे स्टेप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 धन 5 × 2 = 10/4 × 2 = 4। अब हमारे हर बराबर हो गए, तो 4 हिस्सा में है ना, 4 हिस्सा है उसमें से 5 हिस्सा बोल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है, विषम भिन्न है। ठीक है ना, तो इसे हम सामान्य जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो हर है उनको हम नीचे में लिख देंगे। ठीक है, हर को हम क्या करेंगे, नीचे में लिख देंगे, फिर अंश क्या है हमारा 5, उसको लिख देंगे यहाँ पर, धन यहाँ पर अंश कितना है 10, उसको लिख देंगे। अब 5 × 10 कितना हो जाता है, 15/4। ठीक है, इस तरह हमने आसानी से इसका हल प्राप्त। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 8 / 1/6 / 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाना प्रारंभ करते हैं हल। 8 इसे एक बार लिख रहा हूँ मैं, 1/6 / 3, चूँकि भाग देना भिन्न को उससे भाग देना है किसको, पूर्ण संख्या को, तो ये जटिल काम होता है, इसे हम बदलेंगे आगे स्टेप में गुना के रूप में, भाग को परिवर्तित करते हैं तो क्या हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश, तो ये हो जाएगा 6/1। इसी प्रकार 3 को भी हम गुना की संक्रिया में बदल लेते हैं, तो 3/ कोई भी पूर्ण राशि है उसके नीचे हर एक रहता है, तो ये जब भाग में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, हर एक है इसका, तो ये हो जाता है अंश बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा हर। चलिए इसको हम
काट देते हैं, तीन के पहाड़ा में तीन एक बार में आता है और छः कितनी बार में आता है, तीन के पहाड़ा में दो बार में, तो बचा क्या हमारा 8 × 2 × 1 अंश में बचा है और नीचे में हर एक एकम एक, तो हर को मैं रहता ही रहता है छोड़ देता हूँ, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 × 2 1 × 2 और 2 × 8 16, या ऐसे लिख देता हूँ इसको 8 × 1 × 2, फिर अगला पद में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 × 8 16। इस तरह आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने इसका हल प्राप्त किया। हमारा प्रश्न है 36 भागित छोटा कोष्टक 8 × 4 = 2। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट जो कोष्टक के अंदर है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या संक्रिया अपनाएंगे, इसके अंदर न भाग है न गुणा है, जोड़ने की संक्रिया पहले अपनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। 36 भागित ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 8, ये धन पूर्णांक है ये धन पूर्णांक है, तो जुड़ जाएगा 8 और 2 कितने हो गए हमारे 10 × 4। उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा 36 भागित फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 × 4, मतलब 10 × 10 में 4 घटाएंगे तो आ गया हमारा 6, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद हम बचे करेंगे किस, है ना, भाग की संक्रिया, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 6 का पहाड़ा हम कितने पढ़ेंगे 36 आएगा 6, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।